बढ़ते हैं राजधानी जयपुर के एमएनआईटी परिसर का रुख करेंगे क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद और अपना संबोधन दे रही हैं। चलिए सीधा रुख एमएनआईटी परिसर का जहां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाव किशन राव बागड़े जी, मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी, एमएनआईटी जयपुर के निदेशक प्रोफेसर एनपी पाढ़ी जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, प्यारे विद्यार्थियों, आज के दीक्षांत समारोह में उपाधि और पदक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। आपकी इस सफलता में आपकी मेहनत और लगन के साथ साथ आप लोगों के माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों के सहयोग और मार्गदर्शन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मैं उनकी भी बहुत बहुत सराहना करती हूँ। आज मैंने जो 20 स्वर्ण पदक दिए हैं उनमें से 12 पदक हमारी बेटियां ने प्राप्त किए हैं, जबकि उपाधि प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों में लगभग 29% है बेटियां। पदक विजेताओं में बेटियां का ये अनुपात इस बात का प्रमाण है कि अगर उन्हें समान अवसर दिए जाए तो ये अपेक्षाकृत अधिक उत्कृष्टता हासिल कर सकती है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष का सबसे बड़ा प्लेसमेंट पैकेज एक बेटी को मिला है। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी बेटियों को विशेष बधाई देती हूँ। रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी न केवल देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी बेटियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी आवश्यक है। ये प्रसन्नता का विषय है कि हाल के वर्षों में स्टेम में लड़कियों की नामांकन में भी वृद्धि हुई है। ये भी एक सराहनीय तथ्य है कि एमएनआईटी की फैकल्टी में लगभग 1/3 महिलाएं हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ये अनुपात और भी बेहतर होगा। देवियों और स्वजनों, एनआईटी की स्थापना गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान की बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य है। ये संस्थान प्रौद्योगिकी से दक्ष और निपुण मानव संसाधन उपलब्ध कराने में प्रमुख भूमिका निभा रही है। एनआईटी के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए इन्हें इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। एनआईटी सिस्टम में आधे विद्यार्थी गृह राज्य से आते हैं, जबकि आधे विद्यार्थी ऑल इंडिया रैंक के आधार पर अन्य राज्यों से आते हैं। इस प्रकार ये सिस्टम जहां एक और स्थानीय प्रतिभा को निखरने का अवसर देता है, वही दूसरी ओर देश की विविधता में एकता की भावना को मजबूत करने में काम करता है। देवियों और स्वजनों, भारत को रिसर्च तथा इनोवेशन हब बनाने में एनआईटी जैसे तकनीकी संस्थानों की भूमिका अहम है। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान में स्थापित इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर ने अब तक अपने स्टार्टअप कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे बड़ी संख्या में प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। यहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर में लगभग 125 स्टार्टअप पंजीकृत हो चुका है, जो रोजगार के नई अवसर पैदा कर रहा है। ये प्रसन्नता का विषय है कि एमएनआईटी कई विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर शोध परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2023-24 में 35 शोध परियोजनाओं को स्वीकृति दी रही है। अब तो इस संस्थान को करीब 50 पैटेंट्स भी मिले हैं। यहाँ स्थापित
रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। चौथी औद्योगिक क्रांति के इस दौर में चुनौतियों के साथ नई नई अवसर भी आ रहा है। इन अवसरों का लाभ उठाकर भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाने में हमारे तकनीकी संस्थानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमएनआईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंजीनियरिंग विभाग की स्थापना इस संस्थान द्वारा समय की मांग है। अपने को ढालने की और प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आपके इन प्रयासों के बल पर मेरा विश्वास मजबूत होता है कि एमएनआईटी उत्कृष्टता हासिल करने के लिए तत्पर है। एक खुशी की बात है कि आपका संस्थान एनआईआरएफ की इंडिया रैंकिंग 2024 के इंजीनियरिंग कैटेगरी में देश के 50 शीर्षस्थ संस्थाओं में शामिल है। इसके लिए मैं संस्थान के निदेशक, फैकल्टी मेंबर्स, विद्यार्थियों और पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप और अधिक परिश्रम करेंगे तथा एमएनआईटी को देश के शीर्ष 10 संस्थाओं में स्थान दिलाएंगे। एमएनआईटी के पास तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 6 दशकों का अनुभव है। ये अनुभव अपेक्षाकृत नई संस्थानों के मार्गदर्शन में सहायक सिद्ध हो सकता है। मुझे बताया गया है कि एमएनआईटी पिछले 10 वर्षों से IIIT कोटा का मार्गदर्शन कर रहा है। इसके लिए मैं आपके संस्थान की सराहना करती हूँ तथा आशा करती हूँ कि आप कुछ अन्य संस्थानों को भी हैंड होल्डिंग करेंगे। देवियों और स्वजनों, आज स्नातक होने वाले विद्यार्थियों भले ही इस संस्थान से चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से उनका जुड़ाव सदा बना रहेगा। एनआईटी के पूर्व विद्यार्थी देश विदेश की प्रतिष्ठित संस्थानों में जुड़े हैं। सभी एनआईटी को उन विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इनके अनुभवों एवं संसाधनों से लाभ उठाना चाहिए। आपका ये कैंपस प्लैटिनम रेटेड ग्रीन कैंपस है। यहाँ एक मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कार्यरत है। इस वर्ष पहली बार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों ने इस कैंपस में अपने नाम के पौधे लगाए हैं, जिनकी वे अगले 4 वर्षों तक देखभाल भी करेंगे। ये सभी कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है। आप सभी को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसे प्रयास करने चाहिए जिनसे पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो। आप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए नई नई टेक्निकी विकसित करनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब अपने जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके समक्ष नई नई चुनौतियां और अवसर होंगे। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान में प्राप्त ज्ञान और कौशल के बल पर आप उन चुनौतियों का सामना करने और उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए जरूर सक्षम होंगे। आपके संस्थान का ध्येय वाक्य है यगः कर्मसु कुशलम्। इसका मतलब है कर्म की कुशलता ही योग है। भगवत गीता का ये उपदेश आपको प्रेरित करता है कि आप जो भी कार्य करें पूरी दक्षता और निष्ठा से करें। मेरा मानना है कि आपकी महत्वाकांक्षा राष्ट्र की अपेक्षाओं के अनुरूपी होने चाहिए। आपके कर्मयोगी भाव से समाज और राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। जो संस्थान इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हो उसके विद्यार्थियों से नेशन फर्स्ट की भावना से कार्य करने की अपेक्षा स्वाभाविक है। प्यारे विद्यार्थियों,
हमने भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रीय विकास को नेतृत्व प्रदान करना आपका कर्तव्य है। आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है। आप अपनी विद्या और दृढ़ संकल्प के बल पर व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ देश के भविष्य को स्वरूप प्रदान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आशीर्वाद भी देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपना संबोधन दिया। सबसे पहले उन्होंने जितने भी यहाँ पर दिग्गज मौजूद हैं, क्योंकि खुद महामहिम मंच पर हैं, तो उन्होंने मुख्यमंत्री का जिक्र किया, राज्यपाल का जिक्र किया, फिर अपने संबोधन की शुरुआत की जिसमें उन्होंने MNIT परिसर की तारीफ की, बताया कि कितना खास है। और ये इतना खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं वो हमेशा के लिए यहाँ पर छा जाते हैं। और सबसे खास बात उन्होंने यही की कि मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि ज़्यादा संख्या में यहाँ पर गोल्ड मेडल्स प्रदान करने वाली छात्राएँ हैं, महिलाएं, जो आज बड़े पद पर काबिज है और आने वाले समय में भी वो प्रतिशत बढ़ेगा, वो आंकड़ा महिलाओं का बढ़ेगा, मैं ये उम्मीद करती हूं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो नए विद्यार्थी यहां पर आए हैं उन्होंने अपने नाम के यहां पर पेड़ भी लगाए हैं, यानी पौधारोपण किया है, और 4 साल तक वो इसकी देखरेख करेंगे। इसके अलावा तमाम उपलब्धियों का भी उन्होंने जिक्र किया जो कि MNIT परिसर में ही हुई है। और साथ में उन्होंने अंत में जब अपने संबोधन को समाप्त किया तो जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान से किया। और ये बेहद खास हो जाता है राजस्थान के लिए जब राजधानी जयपुर में MNIT परिसर में महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहुंचती हैं और उस परिसर की वो तारीफ कर रही हैं जिसने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। और आज उसका दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है, 18वां दीक्षांत समारोह। साथ ही राजस्थान के बारे में भी वो जिक्र करती हुई नजर आई। फिलहाल मंच की तस्वीरें बेहद खास, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाव बागड़े भी मंच पर नजर आ रहे हैं। तो मंच की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, गोल्ड मेडल्स दिए गए हैं, सम्मानित किया गया है विद्यार्थियों को, लेकिन अरावली छात्रावास का उद्घाटन भी करना है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे।